तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो साइंस में चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि फसल उत्पादन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी से लेकर के उसका स्टोरेज तक पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान लिया है। अगर आपको देखना हो वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। सबसे मेन हेडिंग है और ये जो टॉपिक है ये आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक मिलेगा, नाइट्रोजन साइकिल एंड फिक्सेशन। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ नहीं है, हमको पता है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ये पता है ना सबको। लेकिन पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। अब जब वो 78% नाइट्रोजन हमारी डायरेक्ट पौधों में नाइट्रोजन के रूप में नहीं ली जा सकती, तो इसका मतलब क्या, वो नाइट्रोजन बेकार है, यूज में नहीं है। वो तब ली जा सकती है जब वो घुलनशील नाइट्रेट के रूप में बदल जाए। किसके रूप में बदल जाए? घुलनशील नाइट्रेट के रूप में। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में बदल जाएगी तभी वो पौधों को प्राप्त होगी, नहीं तो प्राप्त नहीं होगी। तो किस तरीके से क्या चक्र है पूरा, कि मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधों में जाती है, फिर से वायुमंडल में आती है, एक चक्र बन जाता है। वायुमंडल से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पौधों में जाती है और फिर पौधे को ही हम लोग जंतु लोग जीव जंतु लोग खाते हैं, फिर उसके बाद फिर से वो कहां पहुंचती है, वायुमंडल में। तो ये जो पूरा चक्र बनता है इस चक्र को हम लोग समझेंगे। यहां पर देखिए स्थिरीकरण क्या होता है, मैं बता रहा था स्थिरीकरण में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रोजन को किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट में। घुलनशील नाइट्रेट में बदल जाना ही क्या है, स्थिरीकरण है या फिक्सेशन है। अब नाइट्रोजन चक्र हम लोग समझते हैं। आपको पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट, 78% आपको पता है कि नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो घुलनशील नाइट्रेट के रूप में जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो पौधों के यूज में नहीं आ सकती। तो क्या करा जाता है, इसके कौन कौन से स्टेप हैं? भाई हम लोग कुछ तो करते हैं, कुछ तो प्रकृति खुद ही कर देती है। जैसे आकाशीय बिजली, जब आकाशीय बिजली कड़कती है तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो ऑटोमेटिक बदल जाती है अभिक्रिया करके घुलनशील नाइट्रेट में। बात समझ गए? तो आकाशीय बिजली जो चिर्री विर्री गिरती वो भी हमारे लिए काम करती है, नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदल देती है, एक प्रक्रिया। दूसरा चीज, तीर देखो, तीर के निशान को। अब क्या दूसरा प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा, जैसे एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन लेते हैं और लेने के बाद जो है वो मिट्टी में रह करके मिट्टी में छोड़ देते हैं। किस रूप में? घुलनशील नाइट्रेट के रूप में। तो बैक्टीरिया द्वारा आ जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा मानव निर्मित नाइट्रोजन, जो हम लोग यूरिया में डालते हैं, ले जाके यूरिया का छिड़काव करते हैं ना, वो नाइट्रोजन ही हम लोग देते हैं। तो मानव निर्मित उर्वरक के द्वारा उनको घुलनशील नाइट्रेट मिल जाता है पौधों को। ये तीन तरीके हो गए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें हमने घुलनशील नाइट्रेट में बदला। अब इसके बाद देखो ये घुलनशील नाइट्रेट फिर से वायुमंडल में जाएगी, एक चक्र देखो यहां से कंप्लीट हो रहा। कैसे जाएगी? कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, घुलनशील नाइट्रेट में बदलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं घुलनशील नाइट्रेट को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यह भी हो सकता है कि वही बैक्टीरिया खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद वो फिर से नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाएगी, है ना। तो ये एक चक्र पूरा हो गया। दूसरा चक्र क्या है, अब घुलनशील नाइट्रेट जो है वो पौधों में जाएगा, किसमें जाएगा, पौधों में, और पौधे क्या करेंगे उसको प्रोटीन में बदल लेते हैं। भाई पौधों से हमको क्या मिलता है, दाल प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, मतलब पौधे किस रूप में ले लेते हैं, प्रोटीन के रूप में उसका अवशोषण कर लेते हैं। किस रूप में कर लेते हैं अवशोषण, प्रोटीन के रूप में उसका अवशोषण कर लेते हैं। अब ये जो है हम लोग भोजन द्वारा किसमें, जंतुओं में आ जाता है, चाहे वो पशु पक्षी या मानव कुछ भी हो, भोजन द्वारा किसमें आ गया, जंतुओं में। अब जंतुओं ने जब खाया है तो बाहर भी निकालेंगे,
तो जो हम लोग उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन के बाद वो फिर से नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में बाहर आ जाता है, फिर से वायुमंडल में जाके, मतलब ये डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, घुलनशील नाइट्रेट में, चाहे वो पास के रूप में जाए, चाहे जिस रूप में जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहां जाता है, हम लोग मिट्टी में ही तो फेंकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये एक चक्र बनाना है, इसे दूसरा क्या है, ये तो उत्सर्जन द्वारा हो गया, जो जंतुओं ने अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला। दूसरा, बैक्टीरिया और फंगस की मृत्यु से, भाई जैसे मान लीजिए जंतु हैं, जंतुओं ने उसको ग्रहण किया, अब जंतुओं ने जो ग्रहण किया उसको निकालेंगे तो डायरेक्ट वो खेत में भी जा सकता है, या फिर बाहर कहीं बैक्टीरिया जो है वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। जैसे कहीं जानवर ही मर जाता है, मरने के बाद उसको क्या सूक्ष्मजीव उसको क्या करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ फेंका बाहर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सूक्ष्मजीव उसको नष्ट करेंगे, नष्ट करने के बाद वो पास के रूप में या किसी के रूप में वो अमोनियम और नाइट्राइट के रूप में बदल जाएगी, और बदलने के बाद फिर से वो घुलनशील नाइट्रेट हमारे पौधों के लिए तैयार हो गई है। तो ये दो चक्र इसमें बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, मतलब घुलनशील नाइट्रेट कैसे कैसे, एक तो वायुमंडल वाली हो गई है ना, और दूसरा जंतु वाली हो गई है। जंतु वाली कैसे घूम रही है पता लग गया, भाई घुलनशील नाइट्रेट पौधे लेंगे प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन मानव खाएगा, फिर मानव जो उत्सर्जित करेगा या जो नष्ट होगा उसके द्वारा फिर से वो किसमें आ जाएगा, घुलनशील नाइट्रेट में, फिर से पौधों को मिलता रहा। वायुमंडल वाला क्या है, जो बैक्टीरिया है, चाहे एजिटोबैक्टर हो चाहे राइजोबियम बैक्टीरिया हो, ये सब वायुमंडल की जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन को क्या करेंगे, घुलनशील नाइट्रेट में बदलेंगे। तो एक चक्र ऐसे चल रहा है और दूसरा चक्र ऐसे चल रहा है। कुल मिला के मेन चीज घुलनशील नाइट्रेट के रूप में बदलेगा नाइट्रोजन, तभी वो पौधों को मिल सकता है। क्लियर है बात, मिलते हैं अगली वीडियो में।